छत्तीसगढ़ की संस्कृति संवाहक सरिता संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से पुरातत्व वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो आज अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। इस दौरान संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा का भी घेराव किया है। उन्होंने कहा कि वनांचल आदिवासियों को पिछली सरकार में तेंदुपत्ता 2500 रुपयों में मिलता था, लेकिन आज सरकार कांग्रेस की सरकार में तेंदुपत्ता 4000 रुपए मानक बोरा बिक रहा है। अमरजीत भगत ने आगे कहा कि भाजपा के सारे ऑप्शन समाप्त होते जा रहे हैं, विपक्ष बहुत विचलित है। उन्होंने कहा कि भाजपा गाय माता को वोट का साधन बनाती है, लेकिन गौ सेवा का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। इस दौरान मंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि रामपथ गमन का विकास हो रहा है, माता कौशल्या मंदिर का विकास हुआ है, जिससे हमारे भक्तिभाव और भक्ति पक्ष भी मजबूत होता है। उससे वनांचल के लोगों को, आदिवासी भाइयों को फायदा हो रहा है। जो पिछले सरकार में 2500 रुपया में तेंदुपत्ता बिकता था प्रति मानक बोरा, आज उसका 4000 रुपये मानक बोरा मिल रहा है। तो इस प्रकार से इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। राम पथ गमन का जिस प्रकार से विकास हो रहा है और कौशल्या मंदिर का निर्माण हुआ है, इससे हमारे भक्ति भाव भी और भक्ति पक्ष भी और ज़्यादा मजबूत होता है।